Hello friends, today I will discuss about electricity. What is electricity? Before discussing electricity, we discuss about the charge. So let's start what is charge? चार्ज क्या है? आप देखते होंगे आपके घरों में टीवी चलती है, अगर उस टीवी के पास आप अपने हाथ को ले जाएं, अपने इस हैंड्स को ले जाएं, तो जो छोटे छोटे हेयर्स हैं वो उस टीवी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। इसका मतलब है कुछ ना कुछ उनके बीच इंटरेक्शन होता है। गर्मी के दिनों में अगर आप कपड़े उतारते हैं तो कपड़े उतारते हैं ये समय कुछ अजीब सी आवाज आती है, वो भी एक पार्ट है चार्ज। आप एक कॉम्ब ले लीजिए और उसको अपने हेयर्स पर रब करिए, अपने बालों पर रगड़िए और छोटे छोटे कागज के पीसों के पास ले आइए, टुकड़ों के पास, तो वो दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कॉम्ब, दे अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कॉम्ब। सो दीज आर द चार्ज प्रॉपर्टी। सो लेट मी स्टार्ट व्हाट इज चार्ज। एक्चुअली चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, किसी भी सब्सटेंस की इंटरनल प्रॉपर्टी। चार्ज इज अ इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी बाय विच सब्सटेंस कैन अट्रैक्ट और रिपेल। मीन चार्ज इज एन intrinsic property. What do you mean by intrinsic? Intrinsic means internal. Internal property of a substance by which it attract or repel. चार्ज होने की वजह से ही कोई ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकता है और कोई ऑब्जेक्ट रिपेल कर सकता है। अगर चार्ज नहीं होगा तो ना उनमें अट्रैक्शन क्रिएट हो सकता है और ना ही रिपल्शन क्रिएट हो सकता है। तो चार्ज एक्चुअल में क्या है? चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से किसी भी ऑब्जेक्ट में अट्रैक्ट और रिपेल होने की प्रॉपर्टी डेवलप हो पाती है, तो दैट इज द चार्ज। एक्चुअली एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि एक्चुअल में चार्ज टू टाइप्स है। चार्ज इज ऑफ टू टाइप्स फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। चार्ज टू टाइप्स, फर्स्ट वन इज द positive charge, positive charge, and second one is the negative charge, negative charge. Positive charge means plus and negative charge means minus. So according to Benjamin Franklin, the charge is of two types. First one is the positive and second one is the negative. So what is charge? Charge is an intrinsic property by which the substance can attract or repel to each other. Repel to each other. Charge is indicated by small q or capital. Small q or capital. And अगर हम नेचर की बात करें, नेचर में हम सब जानते हैं कि एटम इज मेड अप ऑफ थ्री पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तीन पार्टिकल से मिलकर के एटम बनता है। तो एटम में तीन पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब
अगर हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज की बात करें, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। एक्चुअल में नेचर में इलेक्ट्रॉन से कम चार्ज का एग्जिस्टमेंट नहीं, मींस नेचर में इलेक्ट्रॉन से कम का चार्ज एग्जिस्टमेंट नहीं है, इससे ज्यादा चार्ज हो सकता है लेकिन इससे कम चार्ज पॉसिबल नहीं। इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी ऑब्जेक्ट, मान लो कोई एक बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट ए, अगर उसमें हम चार्ज की बात करें तो कितना चार्ज हो सकता है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर। अगर उसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो उसमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर ऑब्जेक्ट में एक इलेक्ट्रॉन है तो 1 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम एक इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें दो इलेक्ट्रॉन है तो इसमें टू से मल्टीप्लाई कर देंगे 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। अगर इसमें तीन इलेक्ट्रॉन है 3 × 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। मींस अगर हम इस फॉर्मूला डिराइव करें तो क्या मिलेगा, तो चार्ज q इक्वल टू n, n इज क्या नंबर, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, 2, 3, 4, 5, 6, इट कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, मतलब 0.5 नहीं हो सकता, 1.5 नहीं हो सकता, 2.5 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को कभी काट ही नहीं सकती। अगर किसी चीज में इलेक्ट्रॉन है तो या तो एक होगा, दो होगा, तीन होगा, चार होगा, वो आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, डेढ़ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ढाई इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता, ये एग्जिस्टमेंट नहीं है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल है जिसको हम ब्रेक नहीं कर सकते, जो कि एक अगर किसी चीज में होगा तो मतलब एक होगा, दो होगा, तीन होगा, कभी भी हाफ, 1.5, 2.5 ये सब नहीं हो सकता। तो q इक्वल टू n इंटू e, e क्या है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, q क्या है चार्ज, n क्या है नंबर ऑफ चार्ज, क्या ये नंबर, ई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इसकी वैल्यू 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। जैसे एक क्वेश्चन करें, जैसे किसी सब्सटेंस में ए, मान लो कोई सब्सटेंस ए है और उस पर 2+ चार्ज है, तो अगर पूछे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन ए, आप कैसे कैलकुलेट करोगे, q इक्वल टू n इनटू e, n मींस जो इस पर चार्ज लगा हुआ है, n यहां पर कितना है 2, तो q इक्वल टू n की वैल्यू 2, इलेक्ट्रॉन का चार्ज एज यू नो आफ्टर कैलकुलेटिंग यू गॉट द वैल्यू 3.2 × 10⁻¹⁹ कूलम। अब देखिए यहां पर पॉजिटिव चार्ज, अगर मान लो कोई सब्सटेंस, मान लो दूसरा एग्जांपल है, मान लो किसी पर b और उस पर 3 नेगेटिव चार्ज, तो मतलब यहां पर n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और इफ वी कैलकुलेट द चार्ज ऑन b, देन q इक्वल टू n इनटू e, n की वैल्यू 3 है और इलेक्ट्रॉन पर चार्ज 1.6 × 10⁻¹⁹ है, मतलब 4.8 × 10⁻¹⁹ कूलम। सो यहां पर जो नेचर है वो कैसा है, चार्ज पॉजिटिव है, जबकि यहां पर नेचर कैसा है, नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि यहां पर नेगेटिव चार्ज। ये तो बात की चार्ज, आइए हम बात करते हैं यूनिट क्या है चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज। एक्चुअल में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कूलॉम, कूलॉम ने बहुत सारा वर्क किया चार्ज का, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कूलॉम नेम इज कंसीडर्ड टू बी अ यूनिट ऑफ चार्ज। कूलॉम का नाम चार्ज की यूनिट के रूप में यूज किया जाता है। यूनिट ऑफ चार्ज क्या है, कूलॉम, कूलॉम को रिप्रेजेंट करते हैं सी से, जैसे आप यहां देख रहे होंगे मैं हर जगह कूलॉम चार्ज को, यहां जहां चार्ज कंसीडर किया वहां पर कूलॉम या सी यूज कर रहा हूं, बिकॉज सी इंडिकेटेड द कूलॉम, कूलॉम। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट अबाउट द चार्ज, कॉन्सेप्ट अबाउट द चार्ज।
तो अभी आपके पास एक फॉर्मूला डेवलप है, पी इज इक्वल टू एन इंटू ई। अब अगर हम बात करें करंट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी समझने के लिए हमें करंट का समझना बहुत जरूरी है, तो क्या है ये इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट जैसे आप जानते हो आपके घर में वायर है, वायर जब आप इसे किसी सॉकेट में लगा देते हो तो उसमें करंट फ्लो होने लगता है। एक्चुअली करंट प्रोड्यूस कहां से होता है? हम सब जानते हैं, जैसे मान लिया आप कॉपर की वायर है, कॉपर की वायर, और हम सब जानते हैं कि जितने भी एटम हैं, चाहे वो हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, नियॉन हो, आर्गन हो, क्रिप्टन हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरान हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, जिंक हो, कॉपर हो, आयरन हो, इन ये सब के सब एटम से मिलकर के बने हुए हैं। और एटम में अभी भी मैंने बताया कि कौन कौन से पार्टिकल हैं, एक है न्यूट्रॉन, एक है प्रोटॉन और एक है इलेक्ट्रॉन। तो न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो आपस में बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स से बंधे हुए होते हैं, इस वजह से वो चल नहीं सकते। बट इलेक्ट्रॉन कैन मूव बिकॉज द अट्रैक्शन फोर्स, बिकॉज इट इज निगेटिव चार्ज एंड न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज, तो न्यूक्लियस निगेटिव पॉजिटिव चार्ज इतना फोर्स नहीं लगता है जितना कि इसके अंदर लगता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा फ्री होता है चलने के। अब जितने भी वायर हैं उन सब में इलेक्ट्रॉन है, पहले से इलेक्ट्रॉन। अगर इनमें चार्ज, चार्ज मीन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, अगर इनमें चार्ज फ्लो करे, मींस इलेक्ट्रॉन अगर फ्लो करने लगे, तो इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने की वजह से ही करंट डेवलप होता है। अगर इलेक्ट्रॉन ना फ्लो हो तो कभी भी करंट डेवलप नहीं हो सकता। हम कभी भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन की चर्चा नहीं करेंगे, हम कंसीडर करेंगे ओनली इलेक्ट्रॉन। क्यों करेंगे? क्योंकि ये न्यूक्लियस से उतना तेजी से नहीं बंधेंगे जितना कि प्रोटॉन बंधेगा। तो किसी भी वायर में जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव, मतलब फ्लो ऑफ चार्ज अगर किसी भी सब्सटेंस में चार्ज फ्लो होने लगे तो उसी फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से इसमें करंट डेवलप होता है। मींस फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में जितना चार्ज फ्लो उसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। मींस व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट? इट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्चुअली इंडिकेटेड बाय या रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल आई आर कैपिटल आई। फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज मीन्स की पर यूनिट टाइम, मतलब पर यूनिट टाइम, means this and unit time is time. Means you have formula I is equal to Q upon T. Q upon T. So if we define what is electric current, electric current is the flow of charge per unit time. अभी अभी आपने देखा एक formula में, we know that Q is equal to LE. इस प्रकार हम लेस करें तो I इक्वल टू मिलेगा एन ई अपॉन टी। तो दिस इज आल्सो अ फार्मूला, दिस इज आल्सो अ फार्मूला। अब अगर हम बात करें यूनिट, यूनिट ऑफ करंट, नंबर वन एसआई यूनिट जो करंट की है वो है एम्पियर। ये भी एक साइंटिस्ट है, उनके नाम के बेस पर
एम्पियर यूनिट रेडियन। दूसरा जो यूनिट है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि चार्ज की यूनिट क्या है कूलम्ब और टाइम की यूनिट क्या है सेकंड, तो ये क्या हो जाएगा कूलम्ब पर सेकंड या कूलम्ब पर। सो दिस इज द सेकंड यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम and it is represented by small I or capital I. So if we put the value of Q as P upon T, then the unit of charge is. अब बात आती है direction of flow of charge। जैसे आप जानते हैं अगर एक हमारे पास वायर है, उस वायर में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसको आपने किसी सेल या बैटरी से अटैच कर, दिस इज सेल पॉजिटिव नेगेटिव, जो बड़ी लाइन है वो पॉजिटिव और जो छोटी लाइन है वो नेगेटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव और पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल। तो यहां पर जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सब के सब इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ चलने लगेंगे, क्यों चलने लगेंगे, क्योंकि यहां पर पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे, जब इलेक्ट्रॉन इधर चलने लगेंगे तो जो करंट की डायरेक्शन ली जाती है वो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट ली जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है तो जो डायरेक्शन होगी करंट वो इधर है, मींस डायरेक्शन of current is opposite to the flow of electron. अगर electron इस direction में आ रही है तो current क्या जाएगा opposite से, मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कभी किसी भी वायर को या किसी कंडक्टर को, कंडक्टर जो इलेक्ट्रॉन जो करंट को फ्लो करता है, अगर किसी कंडक्टर को आप किसी सेल से या बैटरी से अटैच करते हैं तो हमेशा जो करंट की डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से होगी, पॉजिटिव से कहां होगी नेगेटिव की तरफ, इधर से करंट जाएगा इधर आएगा। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड इट इज always from positive terminal of cell to the negative terminal of cell, means जो direction होगी current की वो हमेशा positive terminal से negative terminal की तरफ। तो ये सारी चीजें हैं डायरेक्शन ऑफ करंट। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल नोटिफिकेशन फॉर न्यू वीडियो नोटिफिकेशन। थैंक यू। अरे यार।